वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ये रीजनिंग के लिए आज की जो ट्रिक्स है वो रीजनिंग पे है, और ये डायरेक्शन और सेंस, जिसको दिशा संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं, बैंकिंग में पूछे जाते हैं, और एक से दो नंबर के क्वेश्चन तो बैंकिंग और एसएससी में कम से कम आते ही आते हैं। ठीक है, बैंकिंग में तो ज़्यादा भी आते हैं, दो से तीन नंबर के भी आ जाते हैं, और एसएससी में नॉर्मली दो क्वेश्चन जरूर होता है। आप कोई सा भी पेपर उठा के देखिएगा तो आपको दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा जो डायरेक्शन का होता है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन है, देखिए पहले अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ फिर हिंदी में पढ़ लेंगे। अमित वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। Now, in which direction is he from the starting place? ठीक है, अमित दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और फिर दाहिने मुड़ जाता है। इसके बाद वह 3 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ जाता है, तथा 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। अमित अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में खड़ा है? ये सवाल है, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, और साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। ठीक है, इसको सॉल्व देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कभी भी आप अगर डायरेक्शन के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले, इवन अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिला भी नहीं है, रफ पेपर मिला है, तो आप एक डायरेक्शन एक बार ड्रॉ कर लीजिए। हमेशा ऐसे ड्रॉ होता है, ठीक है, ऊपर आपको पता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर जो है वो आपका ईस्ट और इधर आपका वेस्ट, ये एक बीच में पॉइंट होता है। कहीं पर भी बीच में पॉइंट होगा तो आप इस तरह से इसको बना लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अब आपको किस डायरेक्शन में। अब देखिए, ये ऊपर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। अब जो इसके बीच का एरिया है ये कौन सा एरिया होगा? अगर कोई इधर जाता है तो साउथ वेस्ट होगा, इधर कोई आता है तो क्या होगा? साउथ ईस्ट होगा, एस और ई है। इधर आता है कोई तो नॉर्थ और ईस्ट होगा। इस पूरे एरिया में कहीं भी बीच में नज़र आता है तो वो इसी तरह से होगा। इस तरफ जाता है तो क्या होगा? नॉर्थ और वेस्ट यानी NW। ठीक है, तो अब देखिए इस सवाल को करते हैं। अमित जो है वो क्या करता है, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। मान लिया कि अमित जो है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। अब दक्षिण किधर है? हमारे क्वेश्चन के हिसाब से साउथ किधर है? नीचे है। तो यहाँ पे मान लीजिए चलना शुरू किया 5 किलोमीटर। चलने के बाद अब क्या करता है अमित कि दाहिने मुड़ जाता है। तो अब देखिए कभी भी आप एरो ड्रॉ कीजिए ऐसे। अब बंदा उधर से आ रहा है, सामने से, इधर से नहीं जा रहा। अगर हम इधर से जा रहे होते तो हमारा दाहिना इधर होता। मान लिया कि अमित मैं ही हूँ, इधर से जा रहे होते तो हम दाहिने इधर मुड़ते, लेकिन जब उधर से आ रहे हैं तो दाहिने मुड़ेंगे तो किधर मुड़ेंगे? इस तरफ मुड़ेंगे। फिर एरो बना दीजिए। अब इसमें कौन सा एरो? ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, क्योंकि इधर जा रहा है बंदा। ठीक है, आप ही अगर इधर जा रहे हैं तो अब इधर से किधर जाएंगे? राइट उधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो अब सवाल पूछ रहा है आगे कि यहाँ पे कितना किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ से फिर वो बाएं मुड़ जाता है। तो अब देखिए, बाएं का मतलब लेफ्ट, यानी लेफ्ट आप इधर मुड़ेंगे, अमित जो है वो लेफ्ट इधर मुड़ेगा, और कितना चलता है? 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर मान लीजिए चलने के बाद यहाँ आ जाता है। तो यहाँ जब आ जाता है, अब वो पूछा जा रहा है कि अब वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में खड़ा है। प्रारंभिक स्थान क्या है? ये इनिशियल पॉइंट P मान के चला, यहाँ पे है। तो मैंने क्या बोला, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारंभिक स्थान से, तो आप क्या करते हैं, आप ड्रॉ कर लेते हैं। आप यहाँ पे एक ड्रॉ कीजिएगा डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन आपने ड्रॉ किया। अब देखिए इस डायरेक्शन के हिसाब से क्या है, ये नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर क्या है? वेस्ट है, और इधर क्या है? ईस्ट है। अब इस पॉइंट से अमित अभी कहाँ है? यहाँ है। अगर आप ऐसे पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो ये किसके किसके बीच में आता है? साउथ और वेस्ट के। तो आंसर हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, यानी ये वाला जो आंसर है ये होगा, यानी कि अगर हिंदी में बोलेंगे इसको तो दक्षिण
पश्चिम, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको डायरेक्शन हो, डायरेक्शन के क्वेश्चन होंगे तो इसी तरह के होगा। आपको हमेशा याद रखना इस पॉइंट्स के बीच में कहीं भी, अगर अगर वो अमित जो है यहाँ पर होता तो भी ये साउथ वेस्ट, इसके एक डिग्री भी अगर फर्क पड़ जाएगा ना, वेस्ट अगर सीधा नहीं हुआ, यानी 90, देखिए ये 90 होता है हमेशा, ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, तो अगर 90 से कम एक डिग्री भी हो गया तो जिस एंगल के बीच में, जिन दो डायरेक्शन के बीच में वो लाई करेगा वही उसका डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट्स होगा, ठीक है। अब अगर वो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता था कि अभी जहाँ पर वो खड़ा है वहाँ से उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में, ठीक, इसका अपोजिट, तो आप यहाँ पे इनिशियल पॉइंट बनाएं, ये जो इसका होता करंट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप करते क्या, नॉर्थ, यहाँ पे करते साउथ, यहाँ करते ईस्ट, ठीक है, और यहाँ करते वेस्ट। अब इस पॉइंट से अगर पूछा जाएगा कि उसका जो प्रारंभिक स्थान था वो किस डायरेक्शन में, तो अब देखिए ये नॉर्थ जा रहा है और इधर ईस्ट जा रहा है, तो अब वो इन दोनों के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाई कर रहा है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाई कर रहा है तो क्या होता, नॉर्थ और ईस्ट हो जाता उसका, तो ये आंसर हो जाता नॉर्थ ईस्ट। अगर वो सवाल पूछा जाता है पलट के कि अभी जहाँ वो खड़ा है उससे इनिशियल पॉइंट किस डायरेक्शन में, तो जहाँ से पूछा जाएगा वहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, वहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे और जिस भी पॉइंट के बीच में वो लाई करेगा वो वाला आंसर लिख देंगे। और उसको ध्यान से लिखना है कि आपको नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट, ये आपको ध्यान से रखना है याद, कभी भी ड्रॉ कर लीजिए पहले भी, ठीक है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हमारा चैनल edujosh.com हमारी वेबसाइट भी है, हमारा चैनल edujosh है, ठीक है। आप दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए।